अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाफिज साद, टीचर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रेड 9th। द टॉपिक इज़ कायदे आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म और नज़रिया पाकिस्तान। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है ये टॉपिक। ये चैप्टर बहुत से स्कूल्स प्री 9th के अंदर भी पढ़ा देते हैं, सो प्री 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो ग्रेड 9th के अंदर आ चुके हुए हैं उनके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दिस टॉपिक इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इन आर ओल्ड बुक्स दिस टॉपिक वॉज गिवन ऑन पेज नंबर 13 इन इंग्लिश मीडियम बुक्स, और उर्दू मीडियम की बुक्स में ये सफ़ा नंबर 12 के ऊपर था पुरानी किताबों के अंदर। न्यू बुक्स में दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 14 इन उर्दू मीडियम बुक्स। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि न्यू वर्जन अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और इंग्लिश मीडियम का तो बिल्कुल ही नहीं है, सॉफ्ट फॉर्म के अंदर भी नहीं है। सो दैट्स वाई जस्ट उर्दू मीडियम का पेज नंबर यहाँ पर मैंने ऐड अप किया है न्यू बुक्स के अकॉर्डिंगली। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ओल्ड बुक्स के अंदर जो टॉपिक्स था उसमें काफ़ी सारी चेंजेस करके न्यू बुक्स में ऐड अप किया गया है। ओल्ड बुक्स में से जस्ट इस टॉपिक के लास्ट 2 पॉइंट्स जो थे, लास्ट 2 कोटेशंस, वो न्यू बुक के अंदर इस टॉपिक में शामिल हैं। और ओल्ड बुक्स के अंदर एक टॉपिक था टू नेशन थ्योरी, उसमें लास्ट के ऊपर बिल्कुल जाकर पेज नंबर 11 में, ओल्ड बुक्स के अंदर पेज नंबर 11 इंग्लिश मीडियम बुक्स में दो कोटेशंस थी कायदे आज़म की टू नेशन थ्योरी वाले टॉपिक में। न्यू बुक के अंदर वो दोनों कोटेशंस भी इस टॉपिक के अंदर एड अप कर दी गई हैं। तो टोटल 4 कोटेशंस या 4 पॉइंट्स हैं जो कि ओल्ड बुक्स में से न्यू बुक में एड अप किए गए हैं। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो न्यू एडिशन है, न्यू कोटेशंस हैं जो ओल्ड बुक्स के अंदर नहीं थी, जिनको हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, एंड नॉट ओनली सब्सक्राइब बल्कि वीडियोज़ को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ये वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचें और उनको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। Now we'll start our lecture properly. First point would be introduction, ta'aruf. Although this is not given in the books, इस topic के start में book में proper introduction नहीं है, just 1-2 lines के अंदर general सी statements लिखी हुई हैं, but as I have mentioned, this topic is very much important as long question. That's why before स्टार्टिंग आर आंसर प्रॉपरली, पॉइंट्स को, कोटेशंस को याद करने या डिस्कस करने से पहले हम इंट्रोडक्शन एड अप करेंगे इसमें। कायदे आज़म वॉज बॉर्न ऑन 25th of December 1876 एट कराची। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन एट होम एंड देन ही पास्ड एज मैट्रिक एग्जाम्स फ्रॉम सिंध मदरसतुल इस्लाम हाई स्कूल कराची। After that, for his higher studies, he went to London in 1892. He got admission in Lincoln Inn's College. वहाँ से उन्होंने बारेट लॉ किया, then he came back to India in 1896, joined Congress in 1906 and joined Muslim League in 1913. He was the person who changed the fate of the people of subcontinent. कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे। बहुत कॉमन पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, आप अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इब्तदाई तालीम घर से हासिल की, सिंध मदरसतुल इस्लाम हाई स्कूल कराची से मैट्रिक का इम्तिहान दिया, उसके बाद आला तालीम के लिए लंदन चले गए 1892 में, वहाँ लिंकन इन्स कॉलेज से बारेट लॉ किया। 1896 में इंडिया वापस आ गए, 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कायदे आज़म मुस्लिम लीग के प्रोमिनेंट लीडर्स के अंदर इंक्लूड होना शुरू हुए। देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ही लेड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड ही गॉट इंडिपेंडेंस फॉर द मुस्लिम्स।
मुसलमानों को एक अलग मुल्क हासिल करके दिया. दैट्स वाई इट इज सेड दैट कायद आजम वॉज अ पर्सन हु चेंज्ड द फेट ऑफ पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट. ये इसी वजह से कहा जाता है कि कायद आजम वो शख्स थे जिन्होंने बर्रे सगीर के लोगों की किस्मत बदल ली. ऑल्दो दिस इंट्रोडक्शन इज नॉट गिवन इन द बुक्स, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारी बुक में डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर बुक के अंदर गिवन है. यहाँ पर मैंने उन सबको कंबाइन अप करके एज एन इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के स्टार्ट में मेंशन कर दिया है. ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने याद करने हैं और ये ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. कायदे आजम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, फ्रॉम वेयर डिड ही पास हिज मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स, व्हेन डिड ही गो टू लंदन और वहाँ से वापस कब आए, व्हेन डिड कायदे आजम ज्वाइन कांग्रेस, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग में शमूलियत कब की, ये सारे पॉइंट्स एज एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट आर हेडिंग वुड बी नेशनलिज्म या कौमियत. कायदे आजम ने डिफाइन किया था कि नेशनलिज्म या कौमियत क्या होती है. ही वॉज अ फर्म सपोर्टर ऑफ टू नेशन थ्योरी एंड इन हिज वेरियस स्पीचेज ही क्लियरली डिस्क्राइब्ड मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन. दो कौमी नजरिए के हामी थे और मुसलमानों को वो एक अलहदा कौम करार देते थे. उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुसलमान किसी भी तरह से हिंदुओं से अलग हैं, उनके साथ सेम नहीं है. He said that Muslims are a nation according to any definition of a nation and they must have their homeland, their territory and their state. Muslims want to develop their spiritual, moral, cultural, economic and political life and to adopt whatever method they want to achieve their goal. कौमियत की जो भी तारीफ की जाए, मुसलमान इस तारीफ की रूह से अलग कौम है. वो इस बात का हक रखते हैं कि अपनी अलग ममलिकत कायम करें. मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी रूहानी, इखलाकी, तमदनी, इकतसादी, माशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशोनुमा करें और इस मकसद के लिए जो तरीका अपनाना चाहें वो अपनाएं. दिस कोटेशन वॉज आल्सो गिवन इन आर ओल्ड बुक्स, लेकिन ओल्ड बुक्स में ये इस टॉपिक के अंदर नहीं थी. टू नेशन थ्योरी वाले टॉपिक में पेज नंबर 11 के ऊपर ये कोटेशन गिवन थी. अगेन एक और पॉइंट, ओल्ड बुक्स के अंदर ये कोटेशन हाफ थी, जस्ट यहाँ तक थी, देयर टेरिटरी एंड देयर स्टेट, जस्ट इतना पार्ट था. नेक्स्ट पार्ट ओल्ड बुक्स में नहीं था, ये न्यू बुक्स में एडअप किया गया है. यहाँ तक उर्दू मीडियम की बुक्स में भी इसी तरह से अपनी अलग ममलिकत कायम करें. यहाँ तक ये पुरानी किताबों में दो कौमी नजरिया वाले टॉपिक के अंदर था, इससे आगे वाला पार्ट पुरानी किताबों में नहीं था, ये नई किताब में शामिल हुआ है. अब इस डेफिनेशन में कायदे आजम ने कहा क्या है. डेफिनेशन ऑफ अ नेशन, नेशन का कंसेप्ट, कौम की तारीफ, कौम कहते किसको. देर आर वेरियस कंसेप्ट, देर आर वेरियस थिंकिंग्स, बहुत से रीजन्स के अंदर, बहुत से ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कंसेप्ट्स हैं. कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एक इलाके में रहने वाले एक कौम कहलाते हैं. सम पीपल आर ऑफ द व्यू दैट पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज आर अ नेशन. सम पीपल आर ऑफ द व्यू दैट पीपल बिलोंगिंग टू सेम रेस आर अ सेम नेशन. हर जगह के ऊपर अलग अलग कंसेप्ट्स हैं. कायदे आजम ने ये कहा था कि किसी भी बेस के ऊपर अगर नेशन को डिफाइन किया जाए, रिलीजन की बेस के ऊपर, लैंग्वेज, रीजन, कल्चर, सिविलाइजेशन, किसी भी बेस के ऊपर नेशन को डिफाइन कर लिया जाए, मुसलमान्स आर अ सेपरेट नेशन अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन ऑफ अ नेशन. कौमियत की जो भी तारीफ की जाए, मुसलमान इस तारीफ की रूह से एक अलग कौम है, हर लिहाज से अलग है. बिकॉज दे आर अ सेपरेट नेशन, दे मस्ट हैव देयर होमलैंड, देयर टेरिटरी एंड देयर स्टेट. चूंकि वो एक अलग कौम है, वो इस बात का हक रखते हैं कि अपनी अलग ममलिकत कायम करें. मुस्लिम्स वॉन्ट टू डिवेलप देयर स्पिरिचुअल, मॉरल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लाइफ एंड टू अडॉप्ट वट एवर मेथड दे वॉन्ट टू अचीव देयर गोल. बिकॉज मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन, दैट्स वाई दे
should have the right to lead their lives according to their own will and wish. क्योंकि मुसलमान एक अलग कौम है, उनका यह हक बनता है कि वो अपनी जिंदगी को, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ है, चाहे वो इकोनॉमिक लाइफ है, माशरती सियासी जिंदगी, किसी भी तरह से वो उसको अपनी मर्जी से गुजारें और इस पर्पस के लिए जो तरीका वो अपनाना चाहें अपनाएं. नो अदर ग्रुप और नो अदर नेशन कैन डिक्टेट द मुस्लिम्स. कोई भी ग्रुप, कोई भी और कौम मुसलमानों को जबरदस्ती किसी अपने तरीके से जिंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज लाहौर रेजोल्यूशन, करारदादे लाहौर. लाहौर रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन 23rd of March 1940. कायदे आजम गेव द प्रेसिडेंशियल एड्रेस. कायदे आजम ने सदारती खुतबा दिया था, उस लाहौर करारदादे लाहौर के इजलास की सदारत की थी और वहां पर इस इजलास की सदारत करते हुए कायदे आजम ने जो बात कही थी वो यहां पर एक कोटेशन की फॉर्म में आपकी बुक्स के अंदर गिवन है. आल्दो थोड़ी सी लेंथी कोटेशन है, ओल्ड बुक्स के अंदर भी ये गिवन थी, सेम पेज नंबर 11 के ऊपर टू नेशन थ्योरी वाले टॉपिक में, न्यू बुक्स के अंदर भी ये गिवन है. द हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफीज, सोशल कस्टम्स एंड लिटरेचर्स. दे हैव डिफरेंट एपिक्स, डिफरेंट हीरोज एंड डिफरेंट एपिसोड्स. टू ट्राई टूगेदर टू सच नेशंस अंडर अ सिंगल स्टेट, वन एज अ न्यूमेरिकल माइनॉरिटी एंड अदर एज अ मेजॉरिटी, विल लीड टू ग्रोइंग डिसकंटेंट एंड फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी फैब्रिक दैट मे बी सो बिल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ सच अ स्टेट. It would be better for the British government to announce the partition of the subcontinent by keeping in view the interests of the two nations. It would be a right step religiously as well as historically. Hindu aur Musalman do alahida mazahib se taluq rakhte hain jo bilkul mukhtalif aqaid par qaim hain aur mukhtalif nazriyat ki akasi karte hain. Dono aqwam ke heroes, razmiya kahaniyan aur waqiat ek dusre se mukhtalif hain. लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में परोने का मकसद बरेसगीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि अकलियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद हैं. बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि इन दोनों कौमों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बरेसगीर की तकसीम का ऐलान करे, जो कि तारीखी और मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा. इन द बिगनिंग, स्टार्ट में कायदे आजम ने यह मेंशन किया है कि हिंदू और मुसलमान हर लिहाज से एक अलग कौम. दे बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफीज, सोशल कस्टम्स एंड लिटरेचर्स. इनका रिलीजन, इनकी कस्टम्स, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, लिटरेचर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट. दे हैव डिफरेंट एपिक्स, डिफरेंट हीरोज एंड डिफरेंट एपिसोड्स. दोनों अकवाम के हीरोज, रस्मियां, कहानियां और वाकयात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. एपिक्स कहते हैं रज़मिया कहानियां. रज़्म का लफ्ज जो है इसका मतलब है जंग. जंग की कहानियां, जंग के वाकयात, ये इनके डिफरेंट है, इनके हीरोज डिफरेंट हैं. मुस्लिम्स के लिए जो हीरो है वो हिंदूज के लिए विलन है, जो हिंदूज के लिए हीरो है वो मुस्लिम्स के लिए विलन है. इनके किस्से, कहानियां, ये चीजें भी एक दूसरे से डिफरेंट है. सो मीन्स इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट बोथ आर टू डिफरेंट नेशंस. अब ये डिफरेंस मेंशन करने के बाद फिर आगे उन्होंने मेंशन किया टू टाई टुगेदर टू सच नेशंस अंडर अ सिंगल स्टेट, कि इस तरह की दो कौमें जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनको एक सिंगल स्टेट के अंदर बांध कर रखना, टू टाई टुगेदर टू सच नेशंस, एक लड़ी में प्रोना यानी जबरदस्ती दोनों को एक जगह के ऊपर, एक स्टेट के अंदर रखना. व्हेन बोथ आर नॉट इक्वल, वन एज अ न्यूमेरिकल माइनॉरिटी एंड अदर एज अ मेजॉरिटी. ये दोनों बराबर भी नहीं है, एक तादाद में ज्यादा है. वन इज माइनॉरिटी, अदर इज मेजॉरिटी. बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट एज वेल एज नॉट इक्वल न्यूमेरिकली. अगर इसके बावजूद उनको एक स्टेट में जबरदस्ती रखने की कोशिश की गई, दैट विल लीड टू ग्रोइंग डिसकंटेंट एंड फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी फैब्रिक दैट मे बी सो बिल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ सच अ स्टेट. इस तरह की किसी भी स्टेट के लिए ये एक कॉज होगा
फॉर ग्रोइंग डिसकंटेंट, बेचैनी, कॉन्टिन्यूस लड़ाई झगड़ा फसादात, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी फैब्रिक दैट मे बी सो बेल्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ सच अ स्टेट. मीन्स कि दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि इन दोनों को एक जगह के ऊपर रखा जाए. टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट मोर जनरली और इजीली, हम ये एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक किसी कमरे के अंदर, लेट से बंद कमरा है, उससे बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, और उस कमरे के अंदर एक चूहा और एक बिल्ली, उनको छोड़ दिया जाए अगर, तो क्या होगा? अब चूहा और बिल्ली दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अलग हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, दुश्मन हैं. बिल्ली बड़ी है, चूहा छोटा है, वन मेजॉरिटी वन माइनॉरिटी. रिजल्ट क्या निकलेगा? उन दोनों में से एक जब तक मरेगा नहीं, वो कमरे में सुकून से नहीं बैठेगा. और 99.999% चांसेस यही है कि चूहा मरेगा, क्योंकि वो छोटा है. तो यही कंसेप्ट यहां पर था कि एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी जो कंप्लीटली डिफरेंट है, उनको एक जगह के ऊपर इकट्ठा बांधोगे तो दैट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन, तबाही होगी उससे. और फिर एंड पे उसका सोल्यूशन मेंशन किया गया है, इट वुड बी बेटर फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बाय कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट्स ऑफ द टू नेशंस. इट वुड बी अ राइट स्टेप रिलीजियसली एज वेल एज हिस्टोरिकली. बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि इन दोनों कौमों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बरेसगीर की तकसीम का ऐलान करे. यानी इंटरेस्ट ऑफ बोथ द नेशंस, दोनों कौमों के मफादात, दोनों कौमों का फायदा इसमें है कि बरेसगीर की तकसीम कर दी जाए, दोनों अलग अलग हो जाएं, दोनों अपनी अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, जो तारीखी और मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा. मीन्स हिस्टोरिकली इस सेंस के अंदर कि जब भी हिस्टोरिकली किसी भी सेपरेट नेशन ने अपने आप को एज अ नेशन प्रेजेंट किया तो उनको एक सेपरेट स्टेट दी गई. नेक्स्ट पॉइंट इज एड्रेस एट अहमदाबाद. अहमदाबाद में खिताब, एक फेमस प्लेस है अहमदाबाद इंडिया के अंदर, वहां पर एक स्पीच की थी कायद आजम ने. ये पॉइंट ओल्ड बुक्स के अंदर नहीं था, ये सिर्फ न्यू बुक्स में एड अप किया गया है. इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, सुनिए, और इसको अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिए. ऑन 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में ये खिताब किया था कायदे आजम ने. ही सेड दैट पाकिस्तान हैज एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज, नॉर्थ वेस्ट हैज बीन द होमलैंड ऑफ मुस्लिम्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ मुस्लिम्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन दीज एरियाज सो दैट दे कैन लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया. पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है, शुमाल मगरब मुसलमानों का वतन रहा है, इन इलाकों में मुसलमानों की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें. और नॉर्थ वेस्ट या उर्दू में शुमाल मगरब, सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वो रीजन जहां पर आज पाकिस्तान मौजूद है. He said that Pakistan has existed for centuries. पाकिस्तान तो सदियों से मौजूद है. अब ये बात उन्होंने क्यों कही थी? Because Northwest has been the homeland of Muslims. शुमाल मगरब मुसलमानों का वतन रहा है. We know that Muhammad bin Qasim came to subcontinent in 712. 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, और वो कहां पर आया था? सिंध में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. इस वजह से कायदे आजम ने यह कहा है कि नॉर्थ वेस्ट हैज बीन द होमलैंड ऑफ मुस्लिम्स, और इसी वजह से उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान तो सदियों से मौजूद रहा है, और इस बेस के ऊपर ही सेड दैट इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ मुस्लिम्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन दीज एरियाज सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया. क्योंकि मुसलमान सदियों से यहां पर मौजूद हैं, इसलिए इन इलाकों में उनकी आजाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगियों को इस्लामी शरीयत के मुताबिक, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली गुजार सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज एंड ऑफ एथनिसिटी, तासुबात का खात्मा. कि एथनिसिटी या तासुब
सिंपली हेटर्ड, नफरत। अगर कोई एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को रिलीजियस बेस के ऊपर, लैंग्वेज की वजह से, रंग, जुबान या नस्ल की वजह से अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को नापसंद करे, उनको नफरत का निशाना बनाए, उनको टारगेट करे, तो उसको एथनिसिटी या तासुब कहते हैं। ऑन 21st of March 1948 कायदाज़म एड्रेस्ड टू द पीपल ऑफ ढाका। दिस पॉइंट वॉज गिवन इन आर ओल्ड बुक्स एज वेल। पुरानी बुक्स में इसी टॉपिक में, कायदे आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाले टॉपिक में, सेकेंड लास्ट पॉइंट सेम यही था। 21 मार्च 1948 को ढाका की आवाम से खिताब करते हुए कायदे आज़म ने कहा, वट वी वॉन्ट इज नॉट टू टॉक अबाउट बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलूची, पठान एंड सो ऑन, वी आर नथिंग बट पाकिस्तानी, नाउ इट इज आर ड्यूटी टू एक्ट लाइक पाकिस्तान। हमें पंजाबी, सिंधी, बलूची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं, अब हमारा फर्ज है कि पाकिस्तानी बनकर जिंदगी गुजारें। इन बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलूची, पठान, इन लैंग्वेज की बेस के ऊपर या रीजन की बेस के ऊपर, जुबान या इलाके की बुनियाद के ऊपर आपस में एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा इस वजह से नहीं होना चाहिए। बालातर होना मतलब ऊपर आ जाना, इन छोटी छोटी चीज़ों से, इन झगड़ों या डिफरेंसेस से ऊपर उठना चाहिए, हमें इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वाई? वी आर नथिंग बट पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम हैं, इस वजह से अब ये हमारा फर्ज है कि हम पाकिस्तानी बनकर जिंदगी गुजारें। बिसाइड्स ही आल्सो अश्योर्ड दैट इन पाकिस्तान माइनॉरिटीज वुड बी गिवन अ कंप्लीट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी वुड बी फुली प्रोटेक्टेड। उन्होंने ये कहा था कि अकलियतों के हुकूक की मुकम्मल हिफाजत की जाएगी, दे वुड एंजॉय इक्वल राइट्स। दिस इज द फंडामेंटल टीचिंग ऑफ इस्लाम, ये भी इस्लाम की बुनियादी तालीम है कि इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाए। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एड्रेस टू ऑफिसर्स, अफसरान से खिताब। ऑन 11th of October 1947 ही एड्रेस्ड टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। 11 अक्टूबर 1947 को हकूमती अफसरान से कायदे आज़म ने खिताब किया था। ये पॉइंट भी ओल्ड बुक्स में था, बट इस पॉइंट में जो कोटेशन है वो डिफरेंट है। प्रीवियस बुक्स में कोटेशन डिफरेंट थी, यहाँ पर डिफरेंट कोटेशन एक एडअप की गई है फ्रॉम द सेम स्पीच। ही सेड दैट आवर गोल इज टू क्रिएट अ स्टेट वेयर वी कैन लिव एज फ्री ह्यूमन बीइंग्स व्हिच थ्राइव इन द लाइट ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड वेयर वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक सोशल जस्टिस। हमारा नस्बुलैन ये है कि हम एक ऐसी ममलिकत तख्लीक करें जहां हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारी तहजीब व तमद्दन की रोशनी में फले फूले और जहां इस्लाम के माशरती इंसाफ के उसूलों को उभारने का मौका मिले। ही स्टेटेड दैट 11th of October 1947 मीन्स पाकिस्तान बन चुका था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स को वो ये एड्रेस कर रहे हैं, आवर गोल इज टू क्रिएट अ स्टेट। हमारा नस्बुलैन ये है, हमारा मकसद ये है कि हमने एक ऐसी ममलिकत तख्लीक करनी है, पाकिस्तान को इस तरह का बनाना है वेयर वी कैन लिव एज फ्री ह्यूमन बीइंग्स, अपनी मर्जी से जिंदगियां गुजारनी है, अब किसी और को फॉलो नहीं करना, जो हमारी तहजीब व तमद्दन की रोशनी में फले फूले। हमने अपनी सिविलाइजेशन, अपने कल्चर को फॉलो करना है और हमने इस्लामिक सोशल जस्टिस को प्रैक्टिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट। स्टेट बैंक का इफ्तिताह। ऑन 1st of July 1948 वाइल इनॉग्रेटिंग द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म सेड दैट द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वेस्ट हैज क्रिएटेड ऑलमोस्ट इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमैनिटी, इट हैज फेल्ड टू डू जस्टिस बिटवीन मैन एंड मैन,
we must present to the world an economic system based on true Islamic concepts of equality of manhood and social justice. مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ دس کوٹیشن واز آلسو گیون ان آر اولڈ بکس پیج نمبر 15 انگلش میڈیم کی بکس میں صفحہ نمبر 15 کے اوپر یہ کوٹیشن اولڈ بکس میں بھی گیون تھی۔ ہی سیڈ دیٹ اکنامک سسٹم آف ویسٹ ہیز کریٹڈ انسالوبل پرابلمس فار ہیومینٹی۔ فرسٹ آف آل وی مسٹ انڈرسٹینڈ وٹ از دا ویسٹرن اکنامک سسٹم اینڈ وٹ از دا اسلامک اکنامک سسٹم۔ ویسٹرن اکنامک سسٹم، مغربی معاشی نظام ڈپینڈ کرتا ہے انٹرسٹ سسٹم کے اوپر، سود کا نظام۔ آن دی ادر ہینڈ اسلامک اکنامک سسٹم ڈپینڈز آن زکات، آمز، زکات اور صدقات۔ انٹرسٹ یا سود بہت سمپل سا کنسیپٹ ہے کہ کسی بھی پرسن کو اگر کوئی لون دیا ہے تو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ واپس لیا جاتا ہے۔ اب جس پرسن نے وہ لون لیا، اس نے جس پرپز کے لیے لیا تھا، وہ پرپز اس کا فلفل ہوا یا نہیں ہوا، اس کے پاس آگے کچھ باقی بچا ہے یا نہیں بچا، اس سے لینڈر کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جس نے قرض دیا ہوا ہے اس نے اپنی اماؤنٹ واپس لینی ہی لینی ہے، اور جتنا ٹائم زیادہ ہوگا اتنی وہ اماؤنٹ زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ آن دی ادر ہینڈ اسلامک اکنامک سسٹم وہ زکوٰۃ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جن لوگوں کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہ ان کو دیں، جن کے پاس کم ہے، اور جس کو دے دیا وہ پھر اس کا ہو گیا۔ تو یہ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے یہ اکویلٹی کو پروموٹ کرتا ہے، یہ سوشل جسٹس کو پروموٹ کرتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ ویسٹرن سسٹم ہیومینٹی کے لیے بہت سی پرابلمس کریٹ کر رہا ہے۔ ایٹ دا ٹائم آف انوگریشن آف اسٹیٹ بینک دس واز دا موٹیو ڈسائڈیڈ بائی قائد اعظم that we'll implement Islamic system, Islamic economic system in our banks and in our country. These were the main points of this topic. Remember students, all the quotations are very much important. Sari ki sari quotations separately short question ke taur par puchhi ja sakti hain. All the dates are important for MCQs. ان سارے پوائنٹس کو، ان کوٹیشنز کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے، اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کیجئے اور ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اینڈ ایز یو پیپل نو دیٹ یہ کوٹیشنز ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنی ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کوئی بھی چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ کائنڈ اٹینشن۔ ایٹ دی اینڈ ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل آف یو ٹو پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ آلسو لائک دا ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔